क्वेटा में इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो वो शुरू हो गया है। आसमान पर घने बादल छाए हुए इस वक्त बारिश में इंतहाई तेज़ हो चुका है और क्वेटा समेत गुलिस्तान के दीगर अजला जहाँ पर सैलाब ने तबाहकारियाँ मचा दी है, अंदाज़ा लगा है क्वेटा में इतनी तेज़ बारिश है इस वक्त। उसके अलावा जो क्वेटा के दीगर इलाके वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, जहाँ पर नसीराबाद, खेच और लचबेला जहाँ तकरीबन 5,000 के करीब जो अफराद थे वो फंसे हुए थे, उनको आज रेस्क्यू कर लिया गया पीडीएम की जानिब से और जो खुराक है उसकी फरहमी भी जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचा दी गई है। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे पीडीएम की जानिब से जो कार्रवाई है उनका सिलसिला भी जारी है। और साथ में इस वक्त मूसलाधार बारिश आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्वेटा शहर में इतनी सख्त ज़ोरदार बारिश है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये आने वाला जो स्पेल है 27 आज के दिन से शुरू होगा और 31 जुलाई तक ये स्पेल जारी रहेगा। बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ अजला है इसमें ख़ासकर जुनूबी बलूचिस्तान जो है उसमें केस का इलाका है और कलात है, मस्कुंग है, इसके अलावा नसीराबाद डिवीज़न में बारिशों के इम्कान है। स्पेल में ये बताया गया है कि मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई और साथ में सैलाब आने का ख़तरा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ सिंध में सख्त सैलाब आने की जो पेशगोई की गई है, तरबेला जो डैम है सबसे बड़ा डैम वो जो है फुल हो गया है। कल भी बाद से जो है उनके जो स्प्रिंग्स थे या उनको खोला गया दोबारा था कि डैम की स्टोरेज जो है उसमें स्पेस जो है वो थोड़ा सा ढूंढा जाए और जगह जो खाली किया जाए, मगर बारिश का जो सिलसिला है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जारी है। कराची में भी आपने देखा गुज़श्ता 3 दिनों से सख्त बारिशें हुई और पूरे कराची जो ज़ेर आब है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके वो इस वक्त बारिशों की लपेट में, सैलाब के लपेट में और इसके साथ साथ जो फसलें, कड़ी फसलें 1,97,000 एकड़ पर मुश्तमिल जो ज़मीन बलूचिस्तान के दूर दराज अजला में वो उनकी फसलें जो है वो तमाम तर ख़राब हो गई है, मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गई है। इसके अलावा तकरीबन 1 डेथ टोल जो है 105 के करीब जो लोग हैं वो उसमें जहाँ बात हुए अब तक जो बारिशों के तबाहकारी है। तकरीबन बारिशों का जो सिलसिला है वो 4 जुलाई से शुरू हुआ था, अब तक वक्त वक्त के साथ यानी 3 दिन के वक्त से 2 दिन के वक्त से बारिशों का ये सिलसिला जो है जारी है। कल वो स्पेल ख़त्म हुआ था महकमा मौसमियात की जानिब से, कल रात ही दोबारा एक नया स्पेल जारी कर दिया गया था कि 27 जुलाई से 31 जुलाई तक महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया बलूचिस्तान और सिंध व दीगर इलाके से वहाँ पर बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। इसके साथ साथ अगर आपको मैं बताऊँ तो बलूचिस्तान में तबाहकारियाँ जहाँ पर हुई है, किला अब्दुल्ला में हुई है, पशीन में हुई है, खनसोब का इलाका है किला सैफुल्ला के ज़िले में, वहाँ पर तकरीबन पूरा एक गाँव से वो शेर सैलाब के नज़र हुआ है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान का जो केस का इलाका है वहाँ पर तबाहकारियाँ हुई है, 50,000 के करीब जो घराने थे उनको कल रात पीडीएम की जानिब से रेस्क्यू किया गया। इसके साथ साथ किला अब्दुल्ला, मस्तूंग और पशीन के इलाके यहाँ पर सख्त नुकसान हुए बारिशों से। इस वक्त भी क्वेटा के जो मेन सिटी है वहाँ पर सख्त मौसलाधार बारिश का सिलसिला से वो जारी है। आप क्वेटा वाइज की स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त आसमान पर बिल्कुल घने बादल छाए हुए, बिल्कुल क्वेटा को जो है बादलों ने घेर लिया है, घने बादल है, बारिश का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। थोड़ा सा आपको बारिश की सूरत हाल से और ओवरऑल जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में उससे आगाह करना था। अब तक के लिए क्वेटा वाइज से मनामुन दो खेल को और क्वेटा वाइज की टीम को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए क्वेटा वाइज देखते रहें।